12 अप्रैल के अपराह्न काल के बाद मुनिश्री अक्षय सागर जी महाराज, मुनिश्री दुर्लभ सागर जी महाराज, मुनिश्री संधान सागर जी महाराज और अन्य मुनि संघ का कुंडलपुर की धरा पर पदार्पण हुआ। मुनि संघ के आगमन के बाद एक बार गुरु भाइयों का वात्सल्य मिलन बड़े बाबा की नगरी में हुआ। कुंडलपुर की धरा पर संतों का समागम जारी है। 12 अप्रैल की शाम को आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूरे संघ के साथ बड़े बाबा की नगरी में पहुंचे। मुनिश्री अक्षय सागर जी महाराज ससंग, मुनिश्री विमल सागर जी महाराज ससंग, मुनिश्री दुर्लभ सागर जी महाराज एवं मुनिश्री संधान सागर जी महाराज के साथ अन्य मुनि संघ का जब पदार्पण हुआ तो गुरु भक्तों में हर्ष की बयार प्रवाहित हो गयी। ढोल ताशे के साथ हजारों गुरु भक्तों ने मुनि संघ का बिहार पटेरा से करवाया। बिहार से लेकर प्रवेश तक अगवानी के पुख्ता इंतजाम प्रशासन द्वारा किए गए थे। पटेरा के मंदिर जी के दर्शन कर मुनि संघ ने कुंडलपुर की ओर विहार शुरू किया। हजारों भक्तों ने मुनि संघ के विहार में सहभागिता की। विहार के दौरान जगह जगह मुनि संघ की अगवानी को रंगोलियां सजाई गई थी। जगह जगह मुनि संघ का पाद प्रक्षालन कर स्वागत किया। कुंडलपुर में प्रवेश पर छुल्लक संघ आए और मुनि संघ को नमन कर उनका नगर में प्रवेश करवाया। इस दौरान मुनि संघ के स्वागत को भक्तों में बहुत उत्साह था। मुनि संघ जैसे ही कुंडलपुर के द्वार से प्रवेश कर आगे बढ़े तो समस्त अग्रज और अनुज भाई वात्सल्य मिलन के लिए खड़े थे। एक साथ इतने मुनि संघ की उपस्थिति आगामी महोत्सव की गरिमा का बखान कर रही थी। बड़े बाबा की नगरी में प्रवेश के बाद मुनि संघ ने सर्वप्रथम ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिश्री समय सागर जी महाराज को नमन किया और फिर समस्त मुनि संघ का सिद्ध क्षेत्र पर मंगल मिलन हुआ। आपको बता दें, मुनिश्री अक्षय महाराज मुंबई से लगभग 1200 किलोमीटर का विहार कर और अन्य मुनि संघ भी महाराष्ट्र और राजस्थान से लंबा विहार कर 12 अप्रैल को बड़े बाबा की नगरी में पहुंचे हैं। जैन फोकस के लिए कुंडलपुर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।